सो हेलो दोस्तों, आईफाई किचन में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो रेसिपी है वो एकदम नॉर्मल रेसिपी है, मतलब नॉर्मल रेसिपी मतलब हर एक जन खाते हैं और हर एक जन को पसंद भी है। इसके लिए मैं रेसिपी लेके आया और एकदम यूनिक तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा आज, और एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में, कम मसाला में, कम स्पाइसेस में, जो एकदम होटल जैसा टेस्ट लगे और आप घर पर भी बना के खा सकते हो और एकदम कम मसाला में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कढ़ाई रेडी कर दिया है। कढ़ाई के अंदर तेल भी मैं दे दिया हूँ और तेल को भी थोड़ा अच्छे से गर्म कर ले रहा हूँ ताकि जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके लिए मैं पहले से तेल को थोड़ा सा गर्म कर ले रहा हूँ और पूरा कढ़ाई में मिक्स कर ले रहा हूँ। तो अभी इसके अंदर मैं अदरक, लहसुन और मिर्ची को चॉपिंग करके लेके आया हूँ, वो इसमें दे दे रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ही अदरक, थोड़ा सा ही लहसुन और 2 से 4 मिर्ची चॉपिंग करके लाया हूँ। आज का दोस्तों जो डिश है वो थोड़ा हटके है, इसके लिए मैं चॉपिंग करके लेके आया हूँ। इसके लिए कूटा नहीं हूँ उसको, इसके लिए थोड़ा सा स्लाइस करके और एकदम बारीक स्लाइस करके मैं इसको लेके आया हूँ। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करते हैं और तेल को और जो फ्लेम है वो अच्छे से फुल रखेंगे और तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब तक फ्राई होता है तब तक थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर जो वेजिटेबल है वो दे देंगे। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर इसके अंदर जो कैरेट है मतलब गाजर है, इसको मैं स्लाइस करके लेके आया हूँ, उसको दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर कांदा मतलब स्प्रिंग ऑनियन का जो नीचे का भाग है वो इसमें दे देंगे, उसको भी चॉपिंग करके लेके आया हूँ। स्प्रिंग ऑनियन का जो ऊपर का भाग है वो लास्ट में देंगे, अभी नीचे का भाग इसमें दे के इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई करते हैं। और साथ में इसको जो कैप्सिकम है वो कैप्सिकम इसके अंदर दे देंगे। कैप्सिकम देने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर नूडल्स दे देंगे और फ्लेम को मैं फुली हाई रखा हूँ ताकि जो मसाला है, जो वेजिटेबल है, वो अच्छे से थोड़ा सा जल जाए और थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसके लिए अच्छे से मिक्स कर लियो। अभी इसके अंदर मैं इसमें नूडल्स दे रहा हूँ। नूडल्स मैं बॉईल करके लेके आया था और नूडल्स को मैं बॉईल किया हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा तेल के साथ, ताकि नूडल्स जो चिपचिपाहट है वो चिपचिपाहट नहीं रहता है और एकदम खुला हुआ नूडल्स रहता है और ज़्यादा टेस्टी भी होता है। इसके लिए मैं उसको 3 चीज़ से अच्छे से बॉईल करके लेके आया हूँ। अभी इसको अंदर जो मसाला है वो मसाला इसके अंदर दे देंगे और इसके अंदर सॉस दे देंगे। सॉस में सोया सॉस ले रहा हूँ। सोया सॉस देखिए, सोया सॉस दे दिया इसमें। सोया सॉस में मीडियम डार्क लिया हूँ। वो सोया सॉस देने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा इसमें नमक दे रहा हूँ। स्वाद अनुसार नमक दीजिएगा दोस्तों, जितना नमक आपको पसंद है खाने में उतना ही नमक दीजिएगा। और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा एप्पल विनीगर दे रहा हूँ। अगर एप्पल विनीगर पॉसिबल नहीं है तो जो घर में नॉर्मल विनीगर है वो भी दे सकते हैं, नहीं तो जो सिरका है वो भी दे सकते हैं, बट सबका टेस्ट एक ही रहता है। ऑल ओवर जैसा चाहिए, खटास चाहिए, इसके लिए सब एकदम सेम रहता है। तो आपके ऊपर है आपके पास कौन सा अवेलेबल है और कौन सा दे सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा सेजवान सॉस दूंगा 2 टेबल स्पून और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करूंगा। सेजवान सॉस मैं घर पे ही बनाया हूँ, इसका भी वीडियो किस दिन या और दूसरा दिन मैं लेके आके आपको दिखाऊंगा कि एक प्रॉपर होटल जैसा सेजवान सॉस कैसे बनाते हैं। अभी इसको ऑल ओवर जो मसाला है, जो वेजिटेबल है, जो नूडल्स है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको पकाने के बाद देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया और टेक्सचर भी चेंज हो गया और एकदम अच्छा होटल जैसा लुक दिख रहा है। तो अभी इसके अंदर जो चॉपिंग किया हुआ स्प्रिंग ऑनियन था ऊपर का भाग, वो इसमें दे दूंगा और इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे और 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। 1.5 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे इसको मिक्स करने के बाद तो देखिए ऑलमोस्ट जो नूडल्स है वो रेडी हो चुका है। तो अभी इसको सर्व करते हैं। तो दोस्तों, ये रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सोचा आज नूडल्स लेके कुछ अच्छा टेस्टी बनाया जाए और थोड़ा सा हटके बनाया जाए, इसके लिए मैं ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी जो नूडल्स है वो मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या है और कैसा क्या नहीं है। तो चलिए मैं टेस्ट कर लेता हूँ पहला।
बहुत अच्छा बना है, मतलब टेस्टी भी है और एकदम अच्छा भी है और टेस्टी भी लग रहा है और होटल जैसा भी फील आ रहा है। उसमें गार्लिक का भी फ्लेवर अच्छे से आ रहा है और सब मसाले का भी फ्लेवर अच्छे से आ रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें कुछ सीखने मिला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और सॉरी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इधर जो फंक्शन हो रहा है अभी थोड़ा सा पूजा का टाइम है, इसके लिए बहुत फंक्शन हो रहा है। तो मिलता हूँ कोई नया वीडियो पे, कोई नया टॉपिक पे या कोई नया डिश के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।